देखो ना, कल की ही तो बात लगती है जब असद तुम्हें यहां लाए थे। तुम छोटे से, डरे हुए से, सहमे से हमारे पास आए थे। नहीं नहीं, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अपने अम्मी अब्बू को भी नहीं? हाँ, अपने अम्मी अब्बू को भी नहीं बताएंगे। यही बेहतर होगा आपके लिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे। खुदा हाफिज़। हाय अल्लाह, अब कहाँ ढूंढूं मैं तबरेज को? हेलो, पहुंच गई तुम? जी हम पहुंच गए हैं। तुम्हारे पीछे एक बड़ा पत्थर है। उसके पास पेड़ के नीचे छोटे छोटे पत्थर हैं, उन्हें हटा कर देखो। तुम्हारे लिए तबरेज का एक तोहफा है। जी आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, पर खुदा के लिए हमारे तबरेज को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे कुछ मत कीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो,
मैं क्या करूं? कहां ढूंढें हम तब्रेज को? मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा तुम्हारे लिए मैं करूंगी, और मुझे ढूंढना होगा तुम्हें, किसी भी हाल में ढूंढना होगा। आपा, लगता है आपकी दुआओं का असर धीरे धीरे हो रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? कल हमारा दूसरा शिकार भी पहुंच जाएगा। वाह, अब मजा आएगा। शह और मात। ओ पुआ जी, ओ मैंने नहीं करनी शादी, मतलब नहीं करनी। ओ नाले बापू जी नु कहो कि ठंड रखा कर, जब देखो शादी कर लो, शादी कर लो। ओ जैसे शादी के बिना इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है मुझे, है? हद होती है किसी बात की। हेलो 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 हेलो, ओ पुआ जी सिग्नल नहीं आ रहा, बाद में बात करता हूँ जी। हेलो हेलो, ओ पहली पहना पुआ जी, सत श्री अकाल। हेलो बलदेव साहब, आप कहाँ चले गए थे? हैं बैठिए ना, आइए। ओ सर, मैं ना गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेने गया था। बैठिए। देखिए ना बलदेव साहब, इस पहाड़ी इलाके में ना सिग्नल ही नहीं आता जी, बात बीच में कर जाती है जी। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये देखो, अब मेरे फोन पे पूरा सिग्नल आ रहा है, देखो। अच्छा जी, बात ऐसी है जी, लगता जी पिंड में नेटवर्क नहीं आता जी, कोठे पे चढ़ के बात करनी पड़ती है जी, कोठे पे। फिर क्या हुआ सर, कोई जरूरी बात करनी है ना तो मेरे फोन पे कर लो, करो करो। नहीं नहीं बलदेव साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं है जी, बाद में बात कर लेंगे, उसी तो बात कर लेते जी, कोई बात नहीं है जी। पकौड़े लीजिए। अच्छा जी, बुआ जी नाल गल हो रही थी। हाँ जी हाँ जी सर, बुआ जी से किसी की शादी की बात हो रही थी। शादी शादी? हाँ अच्छा अच्छा, शादी। ओ चाचा जी के छोटे बेटे की शादी की बात कर रहे थे पुआ जी से जी, चाचा जी के छोटे बेटे की शादी जी। शादी शादी, बच गए। चाचा जी के बेटे की शादी, कोठे पे चढ़ के बात हो रही थी, सिग्नल नहीं आता सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मेरे भी नहीं आ रही, मैं आपको क्या समझाऊं बलदेव साहब। तो सर कब हो रही है शादी? मेरा मतलब आपके चाचा जी के बेटे की शादी। चाचा जी के बेटे की शादी? फिर तो लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी सर। वो तो है, फंसना तो मुझे ही है। मगर सर आप क्यों फंसेंगे? मैं क्या फंसूंगा, मैं क्या फंसूंगा? कमाल करते हैं बलदेव साहब, चाचा जी के बेटे की शादी है, इतनी तैयारियां करवानी होती हैं, कौन कराएगा? गैर ही करवाएगा ना, सबसे बड़ा जो हुआ जी, कमाल करते हैं आप भी। सर एक बात कहूं? दो बोलिए। उम्र तो आपकी भी होगी है। मतलब सर शादी की? सर आप क्यों नहीं करवा लेते शादी? बलदेव साहब, मतलब आपको भी ऐसा लगता है जी? हाँ हाँ सर, आजकल हर किसी को यही लग रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। सर शादी इतनी बुरी चीज नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, बस शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाद में सब सही हो जाता है।
शादी अच्छी चीज है, है? इतने तामझाम, तैयारियां शारियां, सब किसके लिए जी? आपके लिए। और आपको पता ही नहीं चलता जी। वैसे बलदेव साहब एडजस्ट नहीं करना पड़ता जी, सीधा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर बात में, हर चीज में आपको सिर्फ हाँ बोलनी पड़ती है जी, चाहे वो गलत हो, आप ना बोल ही नहीं सकते जी। और बहस, हुए 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 हुए, बहस तो उनके साथ कर ही नहीं सकते बलदेव साहब। बिल्कुल सही है सर। सर आई एग्री, पर इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है अपने पास। देखो सर, एक ना एक दिन तो शादी आपको करवानी ही पड़ेगी, चाहे खुशी से करवा लो या फिर। अच्छा जी, सर पकौड़े ठंडे हो गए, ये लो पकौड़े। शादी आपा, हाँ बोलो इंतका, क्या हुआ? वो हजरत साहब आए। चलो बेटा, तुम चाचा जी के साथ जाके खेलो। अच्छा बेटा, चलते। सलाम वालेकुम हजरत साहब। वालेकुम अस्सलाम। नए कमांडर ने आपके लिए तोहफा भेजा। नसीब, हमारी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहिएगा। उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बेफिक्र रहिएगा, अब इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाना हमारा काम है। ये सुसाइड जैकेट और खास आपकी जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। इसकी जेबों में 27 किलो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव रखा हुआ है, जो 200 मीटर दायरे को खाक कर देगा, सब कुछ खाक। और ये लीजिए। इस मोबाइल फोन से आप बम को ट्रिगर कर सकते हैं। अभी आपके हाथों में, इसका आप कब, कैसे और कहां इस्तेमाल करती हैं? जी, मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं। मौके को अंजाम तक पहुंचाना हमारा काम है, आप बेफिक्र रहें। हमें तुमसे यही उम्मीद थी, अगर वो जिंदा होता वो भी तुम पे नाज करता। हजरत साहब, अगर वो जिंदा होते तो हमारे साथ आज ये सब नहीं होता, मेरे बच्चे के सर पे उसके बाप का साया होता और आज इस तरह, इस जगह और इस हाल में हम नहीं होते। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। आप भी, खुदा हाफिज। Thank you.
सर बुरा मत मानिए, एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। माफी चाहता हूँ सर, पर हमें इंस्पेक्टर मुख्तियार पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बलदेव साहब आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, अगर जहीर सर ने इंस्पेक्टर मुख्तियार को इस केस में हमारी मदद करने के लिए रिकमेंड किया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। सर आप सही कह रहे हैं, अगर हमारे पास समय बहुत कम है, फिर ऊपर से अब तक इंस्पेक्टर मुख्तियार ने हमें कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन भी नहीं दी। सर आप ही बताइए, हम कब तक हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? बलदेव साहब आप खाम खा इंस्पेक्टर मुख्तियार पे शक कर रहे हैं। बैठिए। देखिए बलदेव साहब, इस वक्त इंस्पेक्टर मुख्तियार पे हमें भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। देखते हैं बाद में क्या होता है। सर मैं नहीं जानता कि तबरेज और सकीना को इन हालातों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, पर सर इतना जरूर जानता हूं कि उन मासूमों को अगर कुछ हो गया तो उन दोनों को कुछ नहीं होगा। बलदेव साहब कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सकीना और तबरेज को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, ट्रस्ट मी। बस आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए। बलदेव साहब। सर ये तो आपका फोन नंबर है। मेरा? आपका फोन कहाँ पे है? मेरा फोन मेरे पास है, ये देखिए। पर बलदेव साहब ये तो आपका नंबर है, ध्यान से देखिए। सर ये जरूर इंतखाब का नंबर है। इंतखाब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाब? सही पहचाना आप। इतने अमक है नहीं आप जितना हम आपको सोच रहे थे। सकीना और तबरेज कहाँ हैं? ओहो गैरी साहब, आप क्यों उन दोनों के पीछे पड़े हैं? मेरी बात मानिए, वापस चले जाइए। वो दोनों आपको कभी नहीं मिलेंगे। बकवास बंद करो और सीधे सीधे ये बताओ कि तबरेज और सकीना कहाँ पे हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या कहता है सर? धमकी दे रहा था बलदेव साहब। सकीना और तबरेज बलदेव साहब उसी के कब्जे में है। बलदेव साहब, सर मेरी बात ध्यान से सुनिए। इंतखाब का फोन हमें आया है, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। इसका जिक्र ना तो आप लेफ्टिनेंट सेवर से करेंगे और ना ही इंस्पेक्टर मुख्तियार से। ठीक है सर। आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि वक्त रहते वो वहां पहुंच जाए और फिर कई हजार धड़कनों और मौत के बीच सिर्फ एक बटन की दूरी होगी।